Hello, good morning everyone. This is me Shazia Fatima and today I'm going to discuss about another method of control of gaseous air pollutants, that is combustion. In last lectures we have studied about three methods, absorption, adsorption and condensation. Okay, so I hope कि आपको क्लियर होंगे वो तीनों मेथड्स. अब आज का जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कम्बशन, ऑल्सो नाउन एज इंसिनरेशन. ठीक है, कम्बशन हम सबको पता है कि जब भी हम कम्बशन का नाम सुने तो हमें कम्बशन से क्या मतलब माइंड में आता है कि एक मेजर सोर्स है किसका, एयर पोल्यूशन का. आप सबको पता है इनकम्प्लीट कम्बशन जो है वो एक मेजर सोर्स रहता है, हमेशा से एयर पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स रहा है. ठीक है, बट अब कम्बशन किस तरीके से कंट्रोल करता है एयर पोल्यूटेंट्स को, एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करता है, आज हमने वो पढ़ना है. ठीक है, अब देखो कैसे कंट्रोल करता है. ये जो हार्मफुल गैसेस होती हैं हमारे पास, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, गैसेस में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उन पॉल्यूटेंट्स को ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. इन दिस वे ये एक्ट करता है एज अ कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है पॉल्यूटेंट्स को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ठीक है, अब आप देखेंगे कि फ्यूल क्या होता है और कम्बशन प्रोसेस है क्या है. ओके, हियर इट इज़. आप देखेंगे यहाँ कि आपके पास फ्यूल क्या रहता है. फ्यूल कोई भी चीज़ जो बर्न हो और क्या दे, हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कोई भी चीज़ जो बर्न हो और हीट प्रोवाइड करे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसकी बर्निंग हो, दैट इज़ फ्यूल. और फ्यूल जब भी कोई चीज़ बर्न करती है तो केमिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें, हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है. ठीक है, अब हमारे पास कम्बशन क्या रह गया कि कम्बशन वो प्रोसेस है जिसमें फ्यूल्स की बर्निंग हो. और फ्यूल क्या रहता है, कोई भी चीज़ जो बर्न हो और क्या दे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हो और हीट प्रोवाइड करे. ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास ये जो कम्बशन है वो किस तरह से एक्ट करता है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन में किस तरह से ये रोल प्ले करता है, ये वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है पोल्यूटेंट्स को. ठीक है, अब किस तरह करता है, देखो हमारे पास पहले मैं बताती हूँ कम्बशन का प्रोसेस ये हो रही है. कम्बशन फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, ये हो रही है कम्बशन. और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें कम्बशन से, दैट इज़ एग्जॉस्ट एंड हीट. ठीक है, हीट एनर्जी और एग्जॉस्ट, मतलब कि हमें जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है वो ड्यूरिंग कम्बशन कन्वर्ट हो रही है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है. ठीक है, अब देखो कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिल रही है, वाटर बन रहा है. ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मीथेन और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है. ठीक है, अब किस तरह से पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो आपस में टूट ऑक्सीडेशन होती है पॉल्यूटेंट्स की, पॉल्यूटेंट्स जो हमारे पास है उनकी ऑक्सीडेशन होती है, किस तरह से वो एटम्स अलग हो जाते हैं एक दूसरे से. ठीक है, एटम्स अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है, और इंडिविजुअली वो एटम्स जब इंडिविजुअल हो जाते हैं फिर वो मिलते हैं दूसरे एटम्स के साथ, तो एक मॉलिक्यूल बनता है जो कि लेस टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू एयर पोल्यूटेंट, जो कि पोल्यूटेंट की फॉर्म में होता है जब. ठीक है, अब आप वो नेक्स्ट पहले हम सारा डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ हमारे पास कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बशन प्रोसेसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर. ठीक है, हम पढ़ते हैं कौन से इंपॉर्टेंट कम्बशन प्रोसेसेस हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज़ हमारे पास है डायरेक्ट फ्लेम कम्बशन. डायरेक्ट फ्लेम कम्बशन से आपको माइंड में एक व्यू बन ही गया होगा कि डायरेक्ट फ्लेम कम्बशन कि जिसमें डायरेक्टली फ्लेम पे कम्बशन हो रही है, किसी भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. ठीक है, डायरेक्ट फ्लेम कम्बशन या डायरेक्ट फ्लेम इंसिनरेशन क्या होता है कि जब वेस्ट जितना भी है हमारे पास, वेस्ट गैसेज जो हैं वो इट्सेल्फ एक कम्बस्टिबल मिक्सचर हैं. ठीक है, एंड डजंट नीड ऑफ एनी एडिशन ऑफ एयर और फ्यूल्स, उन्हें किसी भी ऑक्सिलरी फ्यूल की एडिशन की ज़रूरत नहीं है बर्निंग के लिए. ठीक है, अब देखो ये जो डायरेक्ट फ्लेम कम्बशन है कहाँ यूज़ होते हैं, मोस्टली फोटोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और रिफाइनरीज में. ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट फ्लेम कम्बशन के बाद दूसरा मेथड है एक और, वो है कौन सा, थर्मल कम्बशन. थर्मल एज वी ऑल नो अबाउट हीट, थर्म इज हीट. ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. और एक चीज़ याद रखना कि हमारे पास ये जो कम्बशन है, इनकम्प्लीट कम्बशन, हमने कहा कि सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन रहता है हमेशा से, बट ये किस तरीके से कम्बशन एक्ट करता है एज अ कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन में, किस तरीके से प्ले करता है रोल अपना, कम्बशन
कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन होगी। कंट्रोल्ड कंडीशन किसको कहते हैं, कि हम टेम्परेचर आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन के लिए टेम्परेचर की रेंज जो रहेगी वो हाई रहेगी, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत रहेगी। अब देखो थर्मल कंबशन में क्या होगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये समझाती हूँ। थर्मल कंबशन ये है हमारे पास, इसमें थर्मल कंबशन में थर्मल इंसिनरेटर यूज़ होगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ से हमारे पास एयर, पोल्यूटेड एयर आ रही है जिस एयर में पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ से आएगी, यहाँ इसको इस एयर को प्री हीटअप करेंगे, इस एयर को, ठीक है, जो कि पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं उस एयर को प्री हीटअप करेंगे। फिर ये प्री हीटेड एयर जो होगी यहाँ से मूव करती हुई यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, बर्नर लगा हुआ है, यहाँ पर कंबशन होगी इस एयर की, और जितने भी हमारे पास क्या हैं एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे देखा कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके साथ आके ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब हीट मिलती है, हमें जाहिर सी बात है कि हीट मिलती है किसी भी चीज़ को, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है, कार्बन एटम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम जो आपको वीडियो बताऊंगी उसमें यही है कि किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, एटम्स की फॉर्म में जा रहे हैं, फिर ये एटम्स दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये यहाँ पर बर्निंग हुई, आफ्टर बर्निंग हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज्ड गैस यहाँ से जाएगी बाहर जो कि होगी क्लीन एयर, ठीक है। ये था हमारे पास थर्मल इंसिनरेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मल इंसिनरेशन के बाद हमारे पास क्या है, कैटालिटिक कंबशन, ठीक है। कैटालिटिक कंबशन, सॉरी वेट अ व्हाइल, ये था हमारे पास थर्मल कंबशन। थर्मल कंबशन मैंने आपको बता दिया, दिस प्रोसेस यूजुअली बिकम्स नेसेसरी व्हेन द गैसेस पोल्यूटेंट क्या रहेंगे यहाँ पे, जब गैसेस पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन लो होगी तब ये प्रोसेस यूज़ किया जाएगा, ठीक है। थर्मल कंबशन इज कैरीड आउट बाय थर्मल इंसिनरेटर, जो अभी मैंने आपको डायग्राम बताई, हीट एक्सचेंजर लगा होता है, प्री हीट करता है एयर को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट देखो, यही प्री हीटेड एयर है इसको किससे इक्विप्ड, ये बर्नर से पास करेंगे, ये वहाँ पे कंबशन होगी, जो टेम्परेचर रहेगा 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस रहेगा, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पोल्यूटेंट टू बी ऑक्सीडाइज, ठीक है। उसके बाद देखो द प्रोसेस हैज़ टू बी केयरफुली कैरीड आउट बिकॉज इनकम्प्लीट कंबशन में प्रोड्यूस मोर पोल्यूटेंट्स, इसलिए ये केयरफुली प्रोसेस ये केयरफुली करना होगा ताकि कंबशन कंप्लीट हो सके और हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो ऑक्सीडाइज हो सके और हमें फ्रेश एयर मिल सके, ओके। ये थी डायग्राम, ये हमारे पास कैटालिटिक कंबशन, ओके। कैटालिटिक कंबशन जाहिर सी बात है कि इसमें कैटालिस्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। कैटालिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एनहेंस करता है, बढ़ाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, इंक्रीज करता है, फास्ट करता है, ठीक है। अब दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन द गैसेस पोल्यूटेंट्स आर टू लो इन कंसंट्रेशन, ठीक है। कैटालिटिक कंबशन कब होती है, जब गैसेस पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में कम हो, बाय एम्प्लॉइंग अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, कंबशन कैन बी मेड फास्टर एंड कंप्लीट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसमें लेस, यूजली इसमें कैटालिटिक कंबशन में लेस टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है, क्यों, क्योंकि कैटालिस्ट एक्ट करता है एज अ रिएक्शन एनहेंसर, वो एनहेंस करता है रिएक्शन। कैटालिस्ट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि कैटालिस्ट कभी भी खुद यूज़ नहीं होता है रिएक्शन में इन्वॉल्व, वो सिर्फ एनहेंस करता है, इंक्रीज करता है रिएक्शन के रेट को, खुद उसमें यूज़ नहीं होता, यूज़ होके खुद उसमें कंज्यूम नहीं हो जाता वो, ठीक है। इसलिए उसे बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह, नाइट्रिक एसिड से एन ओ टू को हम निकाल सकते हैं, एच एन ओ थ्री से हम एन ओ टू को रिमूव करेंगे तो इसमें कैटालिटिक कंबशन ही होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम एन ओ टू को एच एन ओ थ्री से क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इट्स मेजर लिमिटेशन क्या रहती है कि हाई कॉस्ट रहती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। अब प्लेटिनम इज़ यूज एज कैटलिस्ट, एन ओ टू को HNO3 से रिमूव करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, प्लेटिनम, ठीक है, ये आपको याद रखना, ओके। सो अब यहाँ मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ जो आप देखेंगे, आपको कैटालिटिक कंबशन किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, इसकी वर्किंग क्या है, वो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ओके। ये है आपके पास कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें कैटालिस्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है।
ध्यान से देखेंगे आप इसे, आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जॉस्ट वॉल्व है, प्लैटिनम एंड रोडियम कैटलिस्ट लगा हुआ है, सेकेंड इज प्लैटिनम एंड पैलेडियम। ठीक है, किस तरीके से कैटलिस्ट में एंटर करेंगे एटलिस्टिक कन्वर्टर में, और ये मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स के अलग हो जाएंगे और दूसरे एटम्स के साथ जाके मिलेंगे और एक लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट बनेगा, देखेंगे आप अभी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्साइड्स ऑफ, दो रेड एक ब्लू, यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या था और फर्दर हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या है। ठीक है, दो रेड कलर के दो ब्लू कलर के, रेड कलर के ऑक्सीजन, ब्लू कलर के नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ।